उससे आगे जितनी भी फाइलम है वो सारे के सारे सिनोमेश में आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास फाइलम आर्थ्रोपोडा भी सिलोमेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। वेरी नेक्स्ट टू इट इज नाउ गोइंग टू टेल यू अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस फाइलम के मेंबर्स की आपको एडवांटेजेस कुछ पढ़नी है और डिसएडवांटेजेस पढ़नी है। लास्ट में कोई गुफ्तगु कर रहे हैं, एडवांटेजेस क्या है? कुछ मेंबर्स आपको मिलेंगे जो कि एडिबल हैं, ठीक है, और गिजा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यूज एज फूड। कुछ मेंबर्स जो हैं इसके एडिबल हैं और गिजा के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉन्स, ठीक है, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स, क्रैब वगैरह, ठीक है, गिजा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एक क्लास में मैंने पूछा कि किसी ने क्रैप कभी इस्तेमाल किया, एक बच्ची कही थी हर हफ्ते मेरी अम्मी मुझे क्रैप पर सूप बना के देती, ना तो कोई ऐसा नहीं, तो मुझे उस पर हैरत हुई। बहरहाल और क्या एडवांटेजेस के अंदर, इंसेक्ट्स जो है वो वेक्टर है इसके लिए पॉलिनेशन के लिए, और इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट जो है वेक्टर है पॉलिनेशन के लिए और इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा आइए फर्दर, और एडवांटेज कहना चाहिए और किताबों में अभी तक आई नहीं है, शायद आपको ये सुनने को मिला हो कि पिछले दिनों स्कॉर्पियन जो है, ब्लैक स्कॉर्पियन जो है, उससे मेडिसिन हासिल की जा रही थी कैंसर के, यानी कि सोने से ज्यादा स्कॉर्पियन महंगा हुआ था। 40 ग्राम का स्कॉर्पियन 40 लाख रुपए का मिलता है, और बकायदा इंटीरियर सिंध में कितनी जगहों पे सूखी जगहों पे रहते हैं, ड्राई जगहों पे रहता है स्कॉर्पियन, खुदाई करके कि वो स्कॉर्पियन हासिल जा रहे हैं कि बेचेंगे आगे, ठीक है। स्कॉर्पियन से मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह, उसके जो उसका जो टेलसन है, ठीक है, उसका टेल लाइक टेलसन है, उसके अंदर जो पॉइजन मौजूद है उसको, उससे मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह जो हो, ठीक है। Obtain for medicine. चले और क्या फायदे, हनी भी जो है इंसेक्टा का मेंबर है, हनी भी शायद हासिल किया जाता है एपीकल्चर में रोल प्ले कर, ठीक है। एपिकल्चर कहलाता है हनी बी फार्मिंग, हनी बी फार्मिंग एपिकल्चर कहलाता है। इसके अलावा ये सिल्क वर्म फार्मिंग, ठीक है, सिल्क वर्म फार्मिंग जो है उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। सिल्क वर्म फार्मिंग जो है सिल्क बनाने में मदद देता,
डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो वेक्टर फॉर मैनी डिजीजेस, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसके लिए, आपके पास वेक्टर कंसीडर किया जाता है। दिस इज कंसीडर्ड एज वेक्टर फॉर मैनी डिजीजेस। तो दिस इज कंसीडर्ड एज वेक्टर फॉर मैनी डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि डेंगी, चिकनगुनिया और येलो फीवर, मलेरिया ये मच्छर के जरिए स्प्रेड होते हैं। प्लाग का नाम सुना होगा, एक होता है डेंटल प्लाक और एक होता है प्लाग, PLAGUE प्लाग। प्लाग जो है टाउन कहते हैं उसको, मक्खी के जरिए ट्रांसमिट होता है। जैनब सागर चौक इस मक्खी का नाम है। आप में सिर्फ और आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए बता रहा हूँ आपको कि जैनब सागर चौक जो है ये आपके पास प्लाग के स्प्रेड में रोल प्ले करती है। इसके अलावा लाइम डिजीज है, बोरेलिया बल्बोफेरी मक्खी जो है वो ट्रांसमिट करती है, ठीक है। और आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि सैंड फ्लाई है या सीसी फ्लाई जो है, इस सब आपके पास लीशमैनियासिस या स्लीपिंग सिकनेस जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह, आप घर से पानी पी के लिए कि मत कर मत जाए, आपसे कह रहा हूँ अभी, मैं आपसे कह रहा हूँ जी। हाँ नवेरा पानी पी के नहीं आएंगी आपके यहाँ, आई वांट अ सीरियस एटीट्यूड। तो मुख्तलिफ मक्खियां जो हैं वो वेक्टर के तौर पे काम करती हैं। सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, रिड्यूबिड बग वगैरह वगैरह। इस वक्त दुनिया में एंटोमोलॉजी जो है वो अहम तरीन ब्रांच है कि अगर हम बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हम इन वेक्टर्स को कंट्रोल करें। जिस वक्त अभी यहाँ पे बारिशें हो रही थी तो एक बहुत बड़ा जो खतरा था लोगों तक फैलने का वो डेंगू का खतरा था। और डेंगू अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए तो मे कॉज द ब्लाइंडनेस, मे कॉज द डेथ इवन, अगर आप वो कॉम्प्लिकेट हो जाए। हालांकि बीमारी कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से बगैर किसी मेडिसिन के ट्रीट हो जाता है, सारा केयर ही करना होता है इसमें। लेकिन अगर हम इंसेक्ट्स वगैरह को कंट्रोल कर लेंगे तो उसके क्या होगा, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, ठीक है। इंसेक्ट्स बहुत जगहों पे डिसएडवांटेजेस के तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं, नुकसान पहुंचाने में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, और क्या डिसएडवांटेज है? क्रॉप्स डिस्ट्रक्शन। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि टिड्डी दल जो है उन्होंने फसलें ही फसलें तबाह कर दी, ठीक है। तो क्रॉप डिस्ट्रक्शन किया इंसेक्ट्स ने। अच्छा, इनका एक फायदा भी है, सम इंसेक्ट्स आर प्रीडेटर ऑन अदर्स, बाद इंसेक्ट्स जो है वो दूसरे इंसेक्ट्स को पकड़ के खा जाते, ठीक है। चलिए, और क्या नुकसान है इसके अलावा, और हमें क्या नुकसान है? मैं अगर अभी मैंने आपसे कहा कि क्रैप के बारे में, कि क्रैप के कब क्रैप के सूप के बारे में मैंने आपसे बात की, क्रैप में कुछ बैक्टीरिया या कुछ बॉम्ब्स वगैरह उनके लार्वा वगैरह रहते हैं, अगर वो प्रॉपरली कुक ना हो तो वो हो जाता, बीमारियां हो जाती, ठीक है। तो मतलब ये कि आपके पास कुछ मेंबर्स इसके ऐसे हैं जिसको खाने से मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती। चलिए, और इसके अलावा नीरोस्टोमेटा
एरेक्नेडा क्रस्टेशिया, ठीक है। तो ये चंद डिसएडवांटेजेस के बारे में आपसे बात की कि कुछ मेंबर्स आर्थ्रोपोडा के ऐसे हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा आपकी जो हाउस फ्लाई है, मैंने जब यहाँ पे वेक्टर की बात की है, तो हाउस फ्लाई आपके पास कॉलरा स्प्रेड करने में रोल प्ले करती है, गंदी चीजों पे जाके बैठेगी, ठीक है, वहां से जाम्स लेगी और फिर खाने पीने की चीजों पे आके बैठेगी। तो उस तरीके से क्या होगा कि उसके जिस्म से जो बैक्टीरिया वगैरह जिस्म से अटैच होंगे या प्रोटोजोन अटैच होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होंगे या कॉलरा का वाइस बन सकते, ठीक है। तो ये आपके पास इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। चलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में आपसे बात हो गई, ठीक है। दुनिया के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज आपके पास ये इसकी है, क्या नाम है, क्लास इंसेक्टर की, आपको ये बात पीछे बताई जा चुकी है, नोट करना है। लुकस सही है। टर्माइट जो है ये वुड स्पॉइलेज में रोल प्ले करता है, बिल्कुल सही है। और कोई डिसएडवांटेज अगर ऐड करना चाहें एडवांटेज तो बता सकते हैं। कॉन्गो वायरस बहुत फैला हुआ था, उसमें पता है आपको कि वो मक्खी जो है वो जानवरों में से जानवर की बॉडी के साथ अटैच होती है, और वायरस उससे लेने के बाद अगर इंसान की जिस्म पे अटैच हो जाए तो कॉन्गो वायरस इंसान तक पहुंच जाता है।
ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर। फायरम आर्थ्रोपोडा की बात आपसे हो गई है, फायरम आर्थ्रोपोडा की बात आपसे बात करने जा रहा हूँ। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको जब एनिमेटर बताया था, मैंने आपसे कहा था वहाँ होमोनोमस मेटाबॉलिज्म होता है, यहाँ जो मेटाबॉलिज्म आपको मिलेगा वो मिलेगा हेट्रोनोमस मेटाबॉलिज्म। In this metamerism, the body segments are not exactly alike. Exactly alike in many aspects. बॉडी के सेगमेंट जो है वो कई लिहाज से एक जैसे नहीं हो। अगर आप मच्छर की बॉडी को देखें, मच्छर का जो थोरेक्स एब्डोमिन है उसको वो लाइनें बड़ी हुई होती है, ठीक है, थोरेक्स एब्डोमिन उस पे इस तरह से लाइनें बनी हुई। अब ये लाइनें बाहर तो नजर आ रही है, लेकिन ये लाइनें जो है वो अंदर के सेगमेंट जैसे एक जैसे नहीं है, मुकम्मल तौर पे एक जैसे नहीं। जब स्कॉर्पियन के बारे में बात करूं, स्कॉर्पियन के ऊपर आपको पार्टीशन नजर आएगा, अंदर से सारे सेगमेंट एक जैसे हैं, ठीक है। तो होमोनोमस यानी कि एग्जैक्टली अलाइक सेगमेंट्स होमोनोमस मेटाबॉलिज्म कैनेडा में आपको मिलेगा, और इसके अंदर आपको जो हाइड्रोनोमस मैंने इस फाइलम के अंदर आपको लार्वा एक कैटरपिलर बताया और एक मैगेट बताया, और हर एक के अलग अलग, ठीक है, हर एक के अलग अलग, तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात होगी, फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात नेक्स्ट वीडियो आपसे बात करूंगा। फाइलम इकाइनोटर्मेटा के बारे में आपसे बात करूंगा। काइओस किसे कहते हैं? क्या? सही, काइओस है। नेक्स्ट वीट इज गोइंग टू टेल यू इकाइनोडर्मेटा। काइओस का वर्ड आया है, बायोस कहते हैं हेजहॉग को, बायोलॉजिकल नेम है वही हेजहॉग, इससे शेर भी डरता है कि कहीं करीब आ गया तो कांटे ना चुभा। बायोस कहते हैं हेजहॉग को, हेजहॉग एक मैमल है, कॉर्डेटा का मेंबर है, बायोस इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इस फाइलम के मेंबर जो हैं उनकी बॉडी के आपको स्पाइंस मिलेंगे। स्पाइंस मिलने की वजह से आप जो है वो इसको इकाइनोडर्मेटा का नाम दिया, ठीक है। एक दो तीन चार पांच छह, छह सात लोग इस वक्त ऑनलाइन है। मैंने आप लोगों की असाइनमेंट करेक्ट की, ठीक है, ऑनलाइन वालों ने जो दीनी, आपके किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि सर ऑनलाइन वालों ने जो दीनी, हम तो बेहतर था कि ऑनलाइन होते, आपका यहाँ बैठे होना ये ज्यादा बेहतर है। आपकी पनिशमेंट पांच की बजाय दो कर रहा हूँ, आप दो दफा बना के लेकर आएंगे जो फाइव की फिगर कर रहा हूँ, ठीक है, और ऑनलाइन वालों के नाम नोट करनी है मैंने, ठीक है, कि मुझे इनकी क्या असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, और आप लोग पांच दफा नहीं दो दफा बना के लेकर आएंगे जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास कल लेकर आएंगे आप, ठीक है, अब मिस नहीं होनी चाहिए वरना बाहर बैठ के बनाएंगे।